शासकीय प्राथमिक शाखा खरखोनी सोहागी में अध्यापक रहे नदारद, विद्यालय की स्थिति का कौन जिम्मेदार? आपको बताते चलें कि शासकीय प्राथमिक शाला खरखोनी टोला सोहागी, जो खंड शिक्षा अधिकारी त्योधर के कार्यालय के अंतर्गत आता है, विद्यालय की शिकायतें पूर्व में भी आती रहती थी। जब संवाददाता समय 1:20 के आसपास विद्यालय में पहुंचे, तो मौके पर विद्यालय में कोई अध्यापक मौजूद नहीं रहे। विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। केवल छोटे छोटे 3 बच्चे ही परिसर में मौजूद मिले, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। विद्यालय शिक्षा का केंद्र है या भैंस का तबेला, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। विद्यालय की स्थिति किस प्रकार से है, यह भी आप देख सकते हैं। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन भी बच्चों को सही ढंग से वितरित नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कितने भी शासनादेश जारी कर दे, विद्यालयों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आखिरकार ऐसे लापरवाह अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ऐसे अध्यापकों को किनका संरक्षण प्राप्त है, जो विद्यालय व्यवस्था को तार तार करने में जुटे हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सख्त मानी जाती है, फिर भी विद्यालय की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं हो पाती? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? देखने वाली बात यह होगी कि विद्यालयों की व्यवस्था कब सुंदर होगी। त्योधर से आशीष सहेली की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।